आप जिस तरह से नाराज हुए बहुत घबरा गई है बच्ची, उसकी चुप्पी को गलत मत समझिए। ना 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 बहु बुरा मत मान, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता वो घबराई हुई है। मैं तो पहले से उसके लक्षण देख के बोल रही हूँ कि एकदम चिकना घड़ा है, अड़ियल है, जिद्दी है, पर तुम लोग मानते ही नहीं हो। अरे भाई इतनी सी उम्र में इतना अकड़ है कि जरा सी डांट क्या खाई कि तुनक के मुंह फुला के बैठ गई। जाने बड़ी होकर क्या करेगी वो। पुलकित और सागर उनको भी तो हम डांटते हैं और वो ऐसे करते जैसे गंगा। कल मुझे पछतावा हो रहा था, सोचा था कि कल की बात भुला दूंगा, अब नाराज होकर गंगा पर चिल्लाऊंगा नहीं, प्यार से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन नहीं, प्यार से बात करने के बाद भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही वो, तो हमें भी उसके पीछे पड़ने की क्या जरूरत है। अगर उसे पढ़ना है तो तुम्हें बता देगी वो, तुम तिवारी जी को फोन कर देना, नहीं तो रहने दो उसे ऐसे ही। माधुरी बहुत काम है मुझे, किसी को स्टडी में आने मत देना। हाँ हाँ बेटा चलो चलो चल बोल चल, काम है उसे, चल चल आ जाओ।